क्लास में बच्चे का हर डाउट क्लियर हो जाए, ये प्रैक्टिकली संभव? लेकिन अगर वो डाउट काउंटर पे आता है तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी समझा सकते हैं। पर सर, डाउट काउंटर पे 10 बच्चे खड़े होते हैं आपसे बात करने के लिए, आप दो को बता रहे होते हैं, 8 सुन रहे होते हैं, 6 इंतजार करके वापस लौट जाते हैं। सर, सबका लेवल और ग्रेड अलग अलग है सर, आप एक ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हो उसको? मेरे फेस को देख के बताओ मुझे सर, मैं बोलू यस मजा आ गया क्या पढ़ा है, एक मैं वहाँ रुका हूँ। कल एग्जाम है सुबह, उसको रात के रात सोल्यूशन चाहिए, वीडियो पे ही मिलेगा उसको। सॉरी सर, ऐसा तो फिजिकल डाउट काउंटर में भी हो सकता है कि वो चेहरे पे बोल के जाएगा कि समझ में आ गया चाहे समझ में ना आया। बिल्कुल, एक ही पर्सन 24 लाख लोगों को एक वीडियो सॉल्यूशन दे रहा है, उसको समझ में आया नहीं आया, 9 लाख को समझ में आया, बाकी को क्या डाउट पे फैकल्टीज हजारों में नहीं है। दूसरी बात, हर बच्चा इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है जो आके हमसे हमारी ये पॉइंट है। दोनों की अपनी अपनी सुविधाएं हैं, ये टाइम बचाता है, पैसे बचाता है, पर ये क्वालिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बच्चे के मन में हमेशा द्वंद रहता है, हर बच्चे को, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो हर बच्चे को अगर वो 100 सवाल अटेम्प्ट करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर बात कर लें तो 100 में से उसको आप ये मान के चलिए 40 से 50 सवाल डाउट आ जाते हैं। अब क्या ये सारे के सारे डाउट क्या क्लास में डिस्कस हो पाते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है सारे के सारे डाउट क्लास में डिस्कस नहीं हो पाते। बच्चे के मन में हमेशा दिक्कत होती है कि यार मैं डाउट कैसे क्लियर करूं, मेरा समय बहुत जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए क्लास में सारे डाउट उसके क्लियर हो पाए, व्याकरण भी मुझे सुन रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जब हमारे टाइम पे कोई जैसी सुविधाएं थी नहीं आज जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जब मैंने तैयारी करी थी तो टीचर ने डाउट क्लियर कर दिया, नहीं क्लियर हुआ तो आंसर्स भी नहीं मिल पाते थे, तो हम जो डाउट रह गया वो शायद तैयारी तक पूरा ही डाउट रहा। अब ऐसा नहीं है, अब उसके बहुत अच्छे अच्छे विकल्प आ गए हैं। शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो एक मिथ है, शायद यहाँ अध्यापक बैठे हुए मेरी बात से सहमत होंगे कि वीडियो जाने वाला है इसलिए बात बताना बहुत जरूरी है। हम जो अभी व्याकरण सुन रहे हैं, हो सकता है आप हमारे रिसेप्शन पे भी आए तो आपसे बोला जाए क्या क्लास में सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, और हो सकता है आपको कोई मैनेजर या हो सकता है मैं खुद भी बोलूं कि हाँ सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, पर आपको बता दूं क्लास में बच्चे का हर डाउट क्लियर हो जाए ये प्रैक्टिकली संभव? अगर हम ऐसा बोलते हैं तो खुद से झुटला रहे हैं, बोलना पड़ता है कई बार क्योंकि पेरेंट्स को शायद ये बात पूर्ण रूप से समझाने में 1 घंटा लगता है, बट वास्तविकता में सारे डाउट क्लास में क्लियर हो जाए संभव नहीं है। जब एक टीचर 10 सवाल का होमवर्क देता है तो उसमें से 8 सवाल से 9 सवाल या 50 सवाल देता है तो 45 सवाल से ज्यादा किसी न किसी बच्चे के डाउट जरूर होते हैं। एक टीचर अगर पूरे साल में 12,000-15,000 सवाल होमवर्क में दे रहा है तो उसके लिए सारे डाउट को क्लियर करना, हर सवाल को क्लास में करना संभव नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो कम से कम 3 साल लगेंगे और सिलेक्शन की पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, ये सच्चाई है। तो फिर बच्चे के डाउट क्लियर कैसे होंगे, उसका बहुत बढ़िया विकल्प शिक्षण संस्थानों ने, हमारी जैसी संस्थानों ने निकाला, उसका एक पहला विकल्प है कि क्यों ना डाउट काउंटर लगाए जाएं। क्यों ना डाउट काउंटर लगाए जाएं, हमारे शिक्षण संस्थानों में डाउट काउंटर की पूरी पूरी सुविधा होती है, टीचर्स के टाइम वहां पे लगा होते हैं, बच्चे वहां पे जाता है, उसके अपने फायदे और नुकसान है। बच्चा जाके वहां पे टीचर से डाउट पूछ सकता है, उसके व्यक्तिगत जो डाउट है उसकी मनस्थिति के भी डाउट वो पूछ सकता है, सर मेरा कुछ डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी चीज हो सकती है, तो डाउट काउंटर पे लेके वो बात कर सकता है। बट इससे भी एक और सॉल्यूशन हमारे पास है कि क्या उसको ऐप पर टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन दे दिए जाएं, क्या ये टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन उसको रियलिटी में आगे ले जा सकते हैं? तो अगली जो हमारी डिबेट है वो है डाउट काउंटर, यानी कि क्या बच्चे को डाउट काउंटर पे जाके अपनी अपनी जो कमियां हैं, जो अपनी उसकी दिक्कतें हैं वो बोलनी चाहिए, या उसके जो डाउट्स हैं क्या उसको टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से जो ऐप पर है उनको देख लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कितने लोग हैं जो डीसी के फेवर में हैं और बात करना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो डीसी के फेवर में और बात करना चाहते हैं? आशीष वाजपेयी सर बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखे, एक बार वो पहले आ चुके हैं, पर मैं आशीष वाजपेयी सर को बुलाऊंगा डीसी के लिए, जोरदार ताली एक बार आशीष वाजपेयी सर के लिए। और कौन लोग हैं? प्रणय लाउटी सर जो कि बहुत बढ़िया खुद डाउट काउंटर लेते हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं, डीसी में उनका फीडबैक जबरदस्त आता है। प्रणय लाउटी सर जो कि नीट के हमारे फिजिक्स के अध्यापक हैं, बहुत धुरंधर अध्यापक हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और कौन है डीसी के लिए? दीपक सर, फिजिकल केमिस्ट्री के हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे टीचर, दीपक सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और हाथ खड़े कर दीजिए। कौन कौन लोग हैं? शालीन सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। तो डाउट काउंटर्स में हमारे साथ आशीष वाजपेयी सर, प्रणय लाउटी सर, दीपक सर और शालीन सर जुड़ गए हैं, चारों हमारे धुरंधर जो डीसी लेते हैं, क्लासरूम क्लासेस लेते हैं, वो अब सामने खड़े हुए हैं।
अब बात करते हैं टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन की, किसमें क्या फायदा क्या नुकसान, टेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन को कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन कौन कहते हैं कि हमें करना चाहिए। इसमें मैं बुलाना चाहता हूं, एक को तो मैं जरूर बुलाऊंगा, वो मेरा साथ दे रहे हैं वैसे, जेसी सर आ जाइए आप, क्योंकि आप हमारे कॉन्टेंट हेड हो, आपको इसमें जरूर बोलना है, आपने हाथ भी खड़ा कर रखा है। तो जेसी सर से मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो टीम का हिस्सा होंगे। जैन चितोड़ा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और कौन कौन टेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन, भावना मैम आ जाइए प्लीज। और कौन कौन है जो करना चाहता है टेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन, कैमरा आ रहा है आपकी तरफ, क्या बात क्या बात, पूनम मैम आ जाइए प्लीज, बहुत बढ़िया। और कौन कौन है प्लीज हाथ खड़ा करिए। रविंद्र अग्रवाल सर प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। भावना मैम आप तैयार हैं, पूनम मैम आप तैयार हैं, सर आप तैयार हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारा अगला डिस्कशन जो भी विभागगण या बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए, क्योंकि आज की तारीख में मोशन में जो बच्चा चाहे क्लासरूम में पढ़ रहा हो उसके लिए दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं कि भाई डाउट काउंटर पे भी जाकर टीचर से पूछ सकता है और वीडियो सॉल्यूशन टेक्स्ट सॉल्यूशन भी देख सकता है। तो मुझे लगता है कि इस पर डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को भी सही गाइड करना बहुत जरूरी है, तो उसको सुनना बहुत आवश्यक है। हमारे पास क्या फीचर्स, उस पर बात करेंगे। मेरे राइट में जो आपको दिखाई दे रहे हैं दिग्गज, वो बात करेंगे डाउट काउंटर्स पे और वो बोलेंगे क्यों डाउट काउंटर्स बेहतर हैं, और जो मेरे लेफ्ट पे खड़े हुए हैं वो बात करेंगे टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन, दोनों पे इसकी बात होने वाली है कि टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन देखकर भी क्या काम चलाया जा सकता है, वो क्या क्या करता है। तो डिबेट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा नियम है कि हम पहले दो लोगों से 30-30 सेकंड का अपना वक्तव्य लेंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इधर से कौन बोलने वाला है डाउट काउंटर्स पे, प्रणय लाहौटी सर, एक बार जोरदार तालियां प्रणय लाहौटी सर के लिए, और उनका वक्तव्य स्टार्ट होता है अब। डाउट काउंटर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट के जो भी डाउट्स रहते हैं वो पर्सनल केयर हमें डाउट काउंटर पर ही मिल पाता है ना। वीडियो सॉल्यूशन अगर वो देखता है तो उसको केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही फैकल्टी का हो जो क्लास में पढ़ा रही है। लेकिन अगर डीसी पर है, डीसी पर फैकल्टी बहुत सारी अवेलेबल रहती है, जो क्लास में पढ़ाती वो भी अवेलेबल रहती है, और उससे हमें उसका बिल्कुल पर्सनल केयर मिलता है। मान लीजिए बच्चे का कोई डाउट रहता है और जैसे मान लीजिए वीडियो सॉल्यूशन में तो वो हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला, लेकिन अगर वो डाउट काउंटर पे आता है तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से भी समझा सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट को फिर भी डाउट रहा तो हम उसको जीरो लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले एक सिंपल क्वेश्चन कराया, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया, लेवल और बढ़ाया, या सेम पैटर्न के दो चार क्वेश्चन हम वहाँ पर करवा सकते हैं जो कि हमें वीडियो सॉल्यूशन में, क्योंकि अगर वो देखेगा तो पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख पाएगा। क्या बात है, तो एक वैलिड पॉइंट है कि सिर्फ सॉल्यूशन उसको सवाल का नहीं मिलता है, उसे पर्सनल केयर का भी मिलता है जब वो डाउट काउंटर पे आता है। एक आत्मीयता का भाव उसके अंदर आता है, एक जुड़ाव आता है। और दूसरा पॉइंट जो सर ने बहुत बढ़िया बोला कि डाउट काउंटर पे वो टीचर भी बैठते हैं जो क्लासेस ले रहे होते हैं, तो जिसका उसके साथ आत्मीय जुड़ाव है, जिस अध्यापक के साथ, जिस चैप्टर को लेकर, वो उससे भी उसके डाउट क्लियर कर सकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, बहुत सुंदर। सर सर की बात को अभी क्रॉस नहीं करते हैं, अभी सबसे पहले मैं मेरा पॉइंट रखता हूँ कि वीडियो सॉल्यूशन और टेक्स्ट सॉल्यूशन का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि उससे टाइम सेव होता है और बच्चे को जब सवाल कर रहा है उसी समय पर उसको हिंट मिलता है, उसी समय पर उसको सॉल्यूशन मिलता है, तो उसको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है, वो अटकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, क्योंकि रात की 11 बजे पढ़ रहा है, 2 बजे पढ़ रहा है, सुबह 10 बजे पढ़ रहा है, जिस समय पढ़ रहा है उसको इंतजार नहीं करना है डाउट काउंटर पे जाने का। तो इट मीन्स उसका जो पेस होता है, उसके जो पढ़ने की स्पीड होती है, उसमें रिदम में ब्रेक नहीं आता है। वीडियो सॉल्यूशन का सबसे बढ़िया बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ये वाला है। क्या बात है, बहुत बढ़िया पॉइंट कि उसका रिदम नहीं बिगड़ता है। जब डाउट आया उसने ऐप खोली, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखा, वीडियो सॉल्यूशन देखा, डाउट काउंटर के लिए उसको जाना पड़ता है, उसे अपने टीचर का टाइम लेना पड़ता है या उसे डाउट काउंटर के टाइमिंग के हिसाब से खुद के डाउट्स को एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत बढ़िया सुंदर पॉइंट बोला है कि किसी भी टाइम पर रात को 2 बजे भी अगर उसे डाउट आ गया है, शीट में डाउट है, और ये सुविधाएं हमारे टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं थी, दोनों ही सुविधाएं उस समय पर कोई उपलब्ध नहीं थी। पर हाँ, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि टाइम बचता है और तुरंत उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। सर सर आई वुड लाइक टू से कि मेरे अकॉर्डिंगली ऑफलाइन डाउट काउंटर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, सिंस दे एनहेंसेस द स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन, पंक्चुअलिटी, रेस्पेक्ट एंड ओबीडियंस। देर आर वेरी लेस चांसेस स्टूडेंट्स ऑफ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, विच आर वेरी मच हायर इन ऑनलाइन डाउट काउंटर, सिंस इन द ऑनलाइन डाउट काउंटर देर इज अवेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। सो ऑन इंटरनेट में भी हो सकता है कि वहाँ पर बहुत सारे एड्स वगैरह आएँ और उन एड्स की मदद से बच्चा
डिस्ट्रेक्टेड फील करे। सर ने एक वैलिड पॉइंट बोला है कि ओबीडियंस डिसिप्लिन आता है डाउट काउंटर को लेके, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है सर ने, एक बार तालियां बजा दीजिए कि भाई उसे ओबीडियंस आता है, उसके डाउट काउंटर पे आता है तो उसमें डिसिप्लिन की भावना उसमें आती है। हो सकता है कि अगर वो इंटरनेट पे जाके अपने टेक्स्ट सॉल्यूशन देखे, ऐप पे आके देखे, तो हो सकता है इंटरनेट वहां पे चल रहा है उसका, हो सकता है उसी समय पॉपअप आ जाए यूट्यूब का कोई वीडियो का और वो सॉल्यूशन देखते देखते डिस्ट्रैक्ट हो जाए। बिल्कुल सर। सर वीडियो सॉल्यूशन का एक बेनिफिट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ये होता है कि जब डाउट काउंटर पे बच्चा आता है तो वो बहुत बार हेजिटेट करता है उसी डाउट को दोबारा पूछने में, हो सकता है उसे एक बार में समझ में ना आए और या फिर उसे उस पर्टिकुलर में कुछ स्टेप समझ में नहीं आया पर वो दोबारा पूछने में हेजिटेट करता है। आसपास और भी बच्चे होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं, टीचर के पास भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। वीडियो सॉल्यूशन में वो उसको बार बार रिपीट करके अपने पेस से, अपने रिदम से, स्लो फास्ट जैसे भी देखना चाहे, जितना भी टाइम लगाकर उसे जितनी बार समझ में आता है, दो बार में, तीन बार में, वो उसको देखकर समझ सकता है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है सर, आप क्या बोलेंगे इसमें? अब आप लोगों को डिबेट में ओपन होना पड़ेगा। बिल्कुल, डाउट काउंटर्स और को मैं इस लेवल पे ऊपर रखूंगा कि आप वीडियो सॉल्यूशन में पर्सनल कैसे अटेंशन ला पाओगे जो डाउट काउंटर्स में मिलेगी। डाउट काउंटर पे 10 बच्चे खड़े होते हैं, कैसे पर्सनल केयर लाओगे? बिल्कुल, पर्सनल फेस टू फेस जब उससे बात करते हैं तो उसके फेस से हमें पता चलेगा कि उसको समझ में आया नहीं आया। पर सर डाउट काउंटर पे 10 बच्चे खड़े होते हैं आपसे बात करने के लिए, आप दो को बता रहे होते हैं, 8 सुन रहे होते हैं, 6 इंतजार करके वापस लौट जाते हैं। सर आप है ना क्वालिटी पे बात कर रहे हैं या क्वांटिटी पे? पहले भी डिस्कशन हुआ है क्वालिटी, आप क्वालिटी पे, तो क्वालिटी डाउट काउंटर पे मिलेगी। एक ही पर्सन 24 लाख लोगों को एक वीडियो सोल्यूशन दे रहा है, आप मुझे बताओ 24 लाख एक वीडियो सोल्यूशन देख रहा है उसको समझ में आया नहीं आया? 9 लाख को समझ में आया, बाकी को क्या? सर वीडियो सोल्यूशन अगर आपका रिकॉर्डेड होगा तो कहां तक पहुंचेगा? सर रिकॉर्डेड की क्या बात आ गई? रिकॉर्डेड अगर वीडियो सोल्यूशन मेरा, इसकी क्या गारंटी है? सर आप वीडियो सॉल्यूशन पे डाउट के, डाउट काउंटर पे आपने उस बच्चे से पूछा समझ में आया? सबका लेवल और ग्रेड अलग अलग है सर, आप एक ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हो उसको? एक ही वीडियो सॉल्यूशन, मान लो उसको समझ में नहीं आ रहा, उस बच्चे को पूछो ना उससे, भैया समझ में आया? नहीं सर, एक बार और ले। वीडियो सॉल्यूशन वाले ने कहां पूछा? सर वीडियो सॉल्यूशन में एक फीचर होता है, इफ स्टूडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द वीडियो सॉल्यूशन, ही और शी वीडियो ले लो, ही उसका जवाब कब मिलेगा सर? ही और शी कैन रिपोर्ट द वीडियो सॉल्यूशन दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कहां रिपोर्ट और कहां उसका रिप्लाई कब मिलेगा सर? आज टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सब अवेलेबल है कि वो वीडियो सॉल्यूशन में सजेशंस दे सकता है कि यू शुड इंप्रूव। सर मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं, सिस्टम में सजेशन देने। सर तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूं कि मुझे मेरा डाउट क्लियर कराओ, मेरे फेस को देख के बताओ मुझे सर। मैं बोलूं यस मजा आ गया, क्या पढ़ाया? एक मैं वहां रुका हूं, टाइम सेविंग की बात आपने की, मैडम मैं आपकी बात से सहमत हूँ, टाइम सेविंग होती है, ये होती है, क्वालिटी पे काम करना है, टाइम सेविंग पे नहीं। सर पर हमारी जो फैकल्टीज हैं, मतलब सर मोशन की फैकल्टीज बहुत अच्छे तरीके से वीडियो सॉल्यूशन दे रही है, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, मोशन की फैकल्टी डाउट काउंटर पे ज्यादा अच्छा बता रही है, R&D होती रहती है। तो आप अगर कह रहे हैं कि क्वालिटी नहीं है तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सर रात के 12 बजे बच्चा नहीं आएगा किसी से पूछने, कल एग्जाम है सुबह, उसको रात के रात सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो पे ही मिलेगा उसको, रात को रिवाइज भी करेगा। कल एग्जाम है वो 12 बजे वीडियो सॉल्यूशन बिल्कुल लेगा, अगर गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल लेगा, 100% लेगा। इसीलिए वीडियो सॉल्यूशन सर क्लास के अंदर भी बच्चे पूछ नहीं पाते बहुत बार, सॉरी सर, मैं आप कह मेरे एचओडी हो, पर फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम, आप आशीष वाजपेयी जी डराओ नहीं यार, सर देखो रात को इमरजेंसी हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, कभी कभी हमेशा स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा पाते हैं, कभी कभी इमरजेंसी है जो पास में ही मिल रही है, जाके दिखाओ, आप काम करो। 10% पे बात कर रही है, कभी कभी पे मैं कॉमन पे बात नहीं कर रहा हूं। सर आप कॉमन बच्चों को डाउट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ना, बच्चों को जो डाउट आते हैं वो ऐसे ही समय पे आते हैं जब उनको कोई मिलना मिलता नहीं है। मैम आप बोल रहे की रात को 12 बजे डाउट देख लिया, लेकिन सर ने बोला की अगर वो सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो रिपोर्ट करे, लेकिन डाउट तो रह गया उसका। आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि उसको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा? हम डाउट ही इतना अच्छा क्लियर करेंगे, समझ में ही नहीं क्या करेंगे? 1% एरर का चांस है, हम डाउट इतना बढ़िया बन क्लियर करते हैं। ऐसा तो फिजिकल डाउट काउंटर में भी हो सकता है कि वो चेहरे पे बोल के जाएगा कि समझ में आ गया, चाहे समझ में ना आया। बिल्कुल नहीं, हमारे साथ तो नहीं होता है, रेस्पेक्ट की वजह से वो बोल सकता है कि मुझे समझ में कई बार टीचर के रेस्पेक्ट की वजह से बच्चा दबाव में आ जाता है कि सर ने दो बार समझा दिया, ये एग्री। सर कुछ बच्चे इसका क्या जवाब है सर आपके पास? वो नहीं पूछते आके डाउट्स। नहीं सर, ऑफलाइन बीइंग अ ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन, अपन यहाँ पे सीधे से कह सकते हैं कि इट इज मोर फोकस्ड एंड होलिस्टिक अप्रोच, राइट?
इसमें अपन कह सकते हैं इट इज अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट एंड टीचर कम टुगेदर आंसर्स आर जनरेटेड फ्रॉम एआई शेयर देयर थॉट्स सर वो कह रहे हैं कि आपने अपने आंसर्स एआई से जनरेट करके लिख रहे हैं चैट जीपीटी खोल रखी है सर ने नहीं नहीं ऐसा नहीं देखिए फेस टू फेस अगर आप बात करें अगर फेस टू फेस ज्यादा अच्छी समझ रहेगी बच्चे को रेदर देन अगर आपको रात को 12 बजे अगर आप शालीन सर एक क्वेश्चन आपसे आपकी डेली 4 क्लास होती है यस आप डेली 2-3 घंटे का डाउट काउंटर दे पाते हैं आप 4 बैच पढ़ा रहे हैं हर बैच के अंदर 150 बच्चे 600 बच्चे अगर आपसे पढ़ रहे हैं 60 बच्चे 10% बच्चे आपसे डाउट पूछना चाहते हैं क्या 60 बच्चों का आप डेली डाउट काउंटर लेकिन 200 बच्चे मेरे से क्लास में भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ रहे हैं क्लास में आप अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन 10% बच्चों को अगर डाउट आ रहा है क्या सबके डाउट आप डेली के डेली क्लियर कर सकते हैं 8 से 8 अपन डाउट काउंटर भी तो रख रहे हैं ना ऑफलाइन उसमें सर आपकी बात कर रहा हूं डाउट काउंटर फैकल्टी अलग होती है और टीचर अलग होता है आपकी बात कर रहा हूं मैं बच्चा उसी से डाउट पूछना चाहता है जिससे वो पढ़ता है एग्जैक्टली तो एबी सर से अगर बच्चा पढ़ता है तो डाउट उन्हीं से पूछ रहा है लेकिन अगर एबी सर 4 बैच पढ़ा रहे हैं चारों बैच में 100-100 बच्चे 400 बच्चे में से 10% अगर बच्चा डाउट आ रहा है तो 40 बच्चों को क्या रोज के रोज डाउट बता पाएंगे अगर बच्चा मुझसे पढ़ रहा है और मुझसे पूछना चाहता है ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन में अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन तो क्वेश्चन का है राइट डाउट काउंटर मैं मानता हूं कि डाउट काउंटर पे अगर बच्चा कंसेप्ट पूछने आ रहा है जैसा ए बी सर कह रहे हैं वो अच्छी बात है कंसेप्ट आपने समझा दिया बहुत बढ़िया बात है वीडियो सॉल्यूशन का पर्पस है कि सवाल में अटकने पर सवाल में मुझे हिंट चाहिए मुझे सवाल के सॉल्यूशन में कहीं पर मुझे दिक्कत आ रही है मुझे आगे बढ़ना है तो वीडियो सॉल्यूशन बहुत अच्छा डाउट काउंटर पे आकर के डाउट काउंटर पे आकर के अगर बच्चा क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो क्या ये अच्छा है सर वीडियो सॉल्यूशन में बच्चे को कहां प्रॉब्लम आई ये कैसे पता लगाओगे आप स्टेप्स ही तो उसको नहीं आ रहे सर ये बच्चे का पता कौन लगेगा बच्चे को कहां अटका है वो तो वो टीचर ही पूछेगा ना डाउट काउंटर पे तुझे कहां अटका है एक्चुअल में आपने उसको केवल रटा दिया सॉल्यूशन दैट्स ऑल आपने भेज दिया देख ले भैया हमारी टेक्निक से कर ले अगर सर लेकिन इसमें उससे करवाओ ना कहां बेटा यहां प्रॉब्लम आज मेरे पास कोई बच्चा आया आप मैथ्स के टीचर हैं आपके पास बच्चा आया आप बोलेंगे बेटा कहां दिक्कत आई इसमें तेरे को वो कहेगा सर मैं यहां यहां अटका अब आपने ये प्रॉब्लम बताई ना वीडियो सॉल्यूशन में कहां अटका वो क्या पता मैं कह रहा हूँ पर्सनल अटेंशन कहाँ से लाओगे डाउट काउंटर पे पर हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन कैसे दे पाएंगे डाउट काउंटर पे सर सर मेजॉरिटी डाउट पे आएगा उसको तो मिलेगी सर अगर डाउट काउंटर पे कोई डाउट काउंटर पे कोई डाउट काउंटर पे आएगा उसे 100% मिलेगी ये प्रॉमिस है ऐसा नहीं है सर सर वीडियो सॉल्यूशन में पॉसिबल नहीं है सर मैं बोलना चाहता हूं आप केवल क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हो और हमारा पर्पस ये है कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो पहले हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम कहां पर है उसकी प्रॉब्लम कहां है बच्चा क्वेश्चन कर रहा है आयोनिक इक्विलिब्रियम का और वो फंसा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम के चक्कर में उसको इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग नहीं आ रही इसलिए वो आयोनिक में पीएच नहीं लेकिन डीसी पर आएगा तो रूट वर्क होगा वो तो हम ही डील करेंगे सर तो लेकिन सर अगर डीसी पर आता है जो हमारी डिबेट है वो इस चीज को लेकर के है कि क्वेश्चन के सवालों को डाउट काउंटर पे पूछें या क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन को देखें यहां जो टॉपिक चल रहा है वो है डाउट काउंटर वर्सेस वीडियो सॉल्यूशन ना कि कांसेप्ट वर्सेस वीडियो सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम ये है कि बच्चा किससे सेटिस्फाइड ज्यादा है सर एक ही वीडियो देखेगा बच्चा हम ये देखना चाह रहे हैं कि डाउट काउंटर का मतलब है डाउट क्लियर होना क्या वीडियो सॉल्यूशन से उसके डाउट क्लियर मुझे आप ये बताइए एश्योरेंस ऑफ क्लियरेंस कैसे लाओगे लेकिन सर परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस तो कैसे कहेगा मैं पूरा सेटिस्फाइड हूं सर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं सर यहां पे की बात कर रहे हैं सर लेकिन लीजिए सर अगर बेस पॉइंट ही अभी होता क्या है बच्चा आता है उसी टीचर के पास में डाउट लेने के लिए लेकिन बच्चे के बाद 10 मिनट होते हैं बच्चा अच्छा भीड़ लगी होती है बच्चों की तो आप उन्हें बोलते हैं बच्चे को बेटा थोड़ा देर रुको आप पहले के डाउट लेते हो इतनी देर में बेल बज जाती है दूसरा पीरियड स्टार्ट हो जाता है फिर आप बच्चे से बोलते हो बेटा डाउट तो क्लियर करो सर मुझे क्लास में नहीं घुसने देंगे सर मेरा टॉपिक जो है वो छूट आएगा तो सर इसे कैसे केटर करेंगे सर देखिए ऐसा भी बहुत मॉर्निंग क्लास वालों का तो डाउट काउंटर इवनिंग में लगता है ना सर तो 10 का क्लास वाला देखिए है नहीं सर डाउट हमें तो अपने डीसी पर आना चाहिए मॉर्निंग का डीसी इवनिंग में इवनिंग का डीसी मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पर आना चाहिए सर पर्टिकुलर फैकल्टी के भी टाइम सर बच्चे ना हजारों की संख्या में हैं डाउट पे फैकल्टीज हजारों में नहीं है दूसरी बात हर बच्चा इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है जो आके हमसे हमारी ये डाउट है कि हर बच्चा एक्सट्रोवर्ट नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो हिम्मत नहीं कर पाता बिल्कुल कोई उसका बहुत बेसिक सा डाउट है तो वो कई बार झिझक जाता है कि मैं सर से जाके पूछूं नहीं तो वो इतने खुलते नहीं है तो उनको अगर सोल्यूशन घर पे मिल रहा है तो उससे बेटर क्या हो सकता है दूसरी बात सर आपने बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ डाउट पे आओगे तो पर्सनल अटेंशन टेक्निकली नाम से कहा गया है डाउट काउंटर डाउट सॉल्व करो वीडियो का मतलब वीडियो सॉल्यूशन में क्वेश्चन सॉल्व करो
पर्सनल अटेंशन के लिए मेंटोर्स हैं, काउंसलर्स हैं, हमारे पास कमिटीज़ हैं, बच्चे आके हमसे उस टाइम पे बात कर सकते हैं। डाउट के लिए स्पेशली अगर वो डाउट काउंटर ही प्रेफर कर रहे हैं तो फिर इतनी बड़ी पावर जो वीडियो सॉल्यूशन की, एआई की, जाने किस किस की है, वो काम ही नहीं आएगी सर, है ना। अच्छा, अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी वास्ट कंपनी है, पहले लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि शॉपिंग एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं हो पाता, पर धीरे धीरे आजकल आधी जनता शिफ्ट हो रही है। पर क्यों हो रही है? क्योंकि कस्टमर सपोर्ट देते हैं, वो हम भी वही दे रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन से, बच्चों को सपोर्ट, घर के घर में जाके लड़ने की जरूरत नहीं है दुकान पे कि खराब दे दिया। स्टूडेंट को डाउट तब आता है, स्टूडेंट को डाउट तब आता है जब उसका थोड़ा सा बेसिक वीक रह जाता है। स्टूडेंट को डाउट तभी आता है जब उसका थोड़ा सा बेसिक वीक रह जाता है। तो अगर वो डाउट काउंटर पे आएगा तो हम उसको बेसिक से वर्क कर सकते हैं। एक स्टूडेंट अगर वीडियो सॉल्यूशन से बेसिक तो कुछ है ही नहीं, वीडियो सॉल्यूशन से बेसिक क्लियर नहीं होगा उसका, बेसिक क्लियर नहीं होगा, प्रॉब्लम पे नहीं जाओगे। आपने उसका एक सॉल्यूशन, उसकी बेस जो क्लियर आपको पता करना है, तुझे कहां अटका हुआ, वो आपको फेस सर उसे अगर टॉपिक में डाउट आएगा ना, वो वीडियो सॉल्यूशन नहीं लेक्चर देखेगा जाके, उसे क्वेश्चन में डाउट आएगा तो वीडियो सॉल्यूशन देखेगा। मैं ये कहूंगा अगर कोई स्टूडेंट, भावना मैम की क्लास हटने वाली है सर, क्लास हटेगी नहीं, बच्चे हैं मेरे साथ, पर फिर भी आपका आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आप कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट अगर नहीं आ पाएगा, मैं कह रहा हूं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के इतनी पावर तो नीचे ना, वो आके अपनी बात कैसे सर, ये नेचर है, प्रकृति है। देखो हर बच्चा इतना ज्यादा व्यक्त नहीं कर सकता अपनी बातों को जितना आप सोच रहे हैं। लगभग लगभग जितने बच्चे डाउट पे आते हैं ना, वो रिपीटेड बच्चे होते हैं, वो कुछ ही होते हैं, अधिकतर बच्चे बैठे रह जाते हैं, हम पूछेंगे भी ना उनसे आगे से तो बता नहीं पाएंगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है मैम, है ना सर। मैं ये कहूंगा ये डर बच्चे में से ऐसे नहीं निकल सकता, वो हमारी शक्लों को देख के सोचते हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। क्वालिटी गेन करनी है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मल्टीपल टीचर्स अवेलेबल होंगे, पर इसके लिए तो फिर बच्चे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अलग से, डाउट काउंटर के लिए बच्चे को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बेटा उस वीडियो को देखकर भी नहीं सपोज देखिए वीडियो को देख के नहीं हो रहा तो फिर सेकंड ऑप्शन डाउट काउंटर पकड़ ले, क्या दिक्कत है फिर, बात तो वही आना अल्टीमेटली वही नहीं 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 तब जरूरत है अल्टीमेटली फर्स्ट टाइम लीस्ट सर अल्टीमेटली यही बोल सकते हैं कि अमृत तो डाउट काउंटर पे होने वाले मंथन से ही निकलेगा। और यदि ऐसा हो, यदि ऐसा हो कि स्टूडेंट नहीं आएगा, नॉट फीलिंग वेल, डाउट काउंटर पे आना पड़ेगा। लेट अस सपोज इफ द स्टूडेंट इज नॉट फीलिंग वेल और बाहर वेदर अच्छा नहीं है तो उसके पास और उसे डाउट है, वो पढ़ रहा है, तो उसके बाद एक ही ऑप्शन है सर, स्ट्रगल करना पड़ेगा, वेदर अच्छा और ये सब नहीं देखना पड़ेगा। उसमें भी डाउट होगा तो उसका इंस्टेंट रिप्लाई थोड़ी ना मिलेगा, नेट नहीं चल रहा हूं, मोबाइल नहीं चल रहा हूं, लाइट नहीं आ रही हो सर, ये भी तो कर सपोज किया, अगर ये सपोज करिए नेट नहीं चल रहा उसका, नेट नहीं चल रहा हूं, मोबाइल ऑफ हो, डाउट छोड़ दो, फिर क्या करेगा बारिश, ये भी बात सही है, बारिश आ रही है तो फिर मोबाइल भी बंद हो सकता है सर। ये भी कर सकते हैं कि अपने डाउट कलेक्ट कर लो और एक दिन आ जाओ, रोज आना जरूरी भी नहीं सर। एक क्वेश्चन है छोटा सा आप लोगों से, डाउट काउंटर रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लास्ट टू मिनट्स डिबेट है बस। एक क्वेश्चन है, एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट को आपने होमवर्क दिया है 50 क्वेश्चन का, और उस एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट को 50 क्वेश्चन का होमवर्क देने के बाद जब उसने शाम को शीट सॉल्व करी या मॉड्यूल सॉल्व करा या कुछ भी सॉल्व करा है, उसको 28 क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है और वो डाउट काउंटर पे आने का इंतजार करे या वीडियो सॉल्यूशन देख करके 28 में से 15 निपटा ले, आप क्या बेहतर समझेंगे? हाँ जी, नहीं सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नहीं आप मेरी बात सहमत नहीं, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है। अगर 50 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, 28 क्वेश्चन में उसको डाउट आ गए हैं, वो वीडियो सॉल्यूशन में देख करके सर, इसका मतलब उसने क्लास में प्रॉपर अटेंशन नहीं रखी है, वो तो फिर अगर डाउट काउंटर हो चाहे वीडियो सॉल्यूशन, इसकी कोई गारंटी नहीं वीडियो सॉल्यूशन देख के भी सर, वीडियो सॉल्यूशन दोबारा उसका बेस तो क्लियर ही नहीं है, मतलब सर 15 क्वेश्चन की हिंट मिल गई, आगे बढ़ गया सर, लेकिन रिमेनिंग 7 के लिए तो डीसी पर ही आना पड़ेगा। मैं इसी बात को आपको कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब उसकी बेस तो क्लियर हुई नहीं है, नहीं तो डाउट काउंटर वाला सही करेगा सर, आएगा डाउट काउंटर पे आना, 50 में से 28 में डाउट है सर। कुछ समय पहले सर, कुछ समय पहले जैसे कि एवी सर ने भी कहा था कि एकलव्य ने भी पढ़ाई करी थी और अर्जुन ने भी, है ना, दोनों ने करी, एक को पर्सनल अटेंशन मिला, एक को नहीं मिला, जो कि आपके डाउट काउंटर में मिलता है, हमारे वीडियो सॉल्यूशन में आप कह रहे हैं नहीं मिलता है, पर अंत में सफल दोनों हुए थे। सफलता का हमें काम किससे सफलता क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलना जरूरी है, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया, काम खत्म, दवाई खाई, पेट दर्द खत्म, क्या बात है, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया। नहीं भाई आप, बात यह है कि मैं तो ये कहूंगा मोर प्रैक्टिस और उसके सेम लेवल को पता लग के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सिर्फ डाउट काउंटर पे होगा। आप उसको सेम ऐसे क्वेश्चन टिक करके दे सकते हो जो वीडियो सॉल्यूशन में नहीं पता चलेंगे, वो वापस देखेगा हर क्वेश्चन को, फिर वापस देखेगा, एक ही जैसे क्वेश्चन को बार बार करने के बजाय
टीचर उसको बताएगा बेटा तेरा लेवल ये है, तेरे ये डाउट में क्लियर है। अगर वीडियो सॉल्यूशन को हमारी लाइफ से हटा दें तो क्या डाउट काउंटर पे आपका लोड नहीं पड़ जाएगा? पहले वीडियो सॉल्यूशन लाइफ में कहां थे? तो तभी तब भी लोग चल रहे थे, सारे रैंक आ रही थी सर, वो समस्या थी, इसीलिए तो हल आया है। आज से पांच साल पहले कहां थे वीडियो सॉल्यूशन? कहां था सबको? तब डाउट क्लियर नहीं हो रहे थे क्या? हो रहे थे लेकिन कम हो रहे थे। सर ने कौन से वीडियो सॉल्यूशन से नहीं देखे सर? हम वो हमारी समस्या थी इसीलिए तो हमने नई जनरेशन को प्रोवाइड करा है। नहीं तो प्रोवाइड करा पर आज भी वो टॉप है ऑब्वियसली। डाउट काउंटर लेकिन वीडियो सॉल्यूशन आवश्यकता है सर। पहले डाउट काउंटर भी नहीं थे, पहले डाउट काउंटर भी नहीं थे। नहीं डाउट काउंटर थे बिल्कुल, डाउट काउंटर बहुत हमारे टाइम पे तो नहीं, हमारे टाइम पे तो नहीं थे डाउट काउंटर। सो टीचर का इंटरेक्शन तो शुरू से टीचर इंटरेक्शन क्लास में करते थे, उसके बाद फिर सब अलग अलग टीचर होते हैं सर। नहीं सर आरडी सर सही कह रहे हैं, जेई एडवांस में तो डाउट काउंटर भी नहीं होते थे। और सर जिस टीचर में जितने डाउट है वो टीचर किस बात का? यही बात मैं बोला कि उसका बेस क्लियर नहीं है, यही बात तो मैं बोला कि बेस क्लियर नहीं है उसको। 50 में से 28 क्वेश्चन देखने पड़ रहे हैं सर। एक चीज ये भी होती है कि अच्छा एक मिनट कितने इसको क्यों कंक्लूड अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे हिसाब से लग रहा है एक घंटा के लिए चला जाएगा। आवश्यकता है डाउट काउंटर का रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं अपना मत रखता हूं, जो मैं कहता हूं और मैं उसको कैसे करता हूं मैं आपको समझ बताता हूं कि बच्चे को जब 100 सवाल मिलते हैं तो सारे सवाल क्लास में डिस्कस नहीं हो सकते, क्या हम इसमें सहमत हैं? यस, सारे क्लियर नहीं हो सकते, हर बच्चे का डाउट 100% क्लास डिस्कशन में पूरा हो जाए संभव नहीं। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए 100 सवाल में से 40 सवाल डाउट हो गए तो मैं मानता हूं कि 40 सवाल वो डाउट काउंटर पे जाके पूछ नहीं सकता। मैं किस पे विचारधारा बोलता हूं, क्या डाउट काउंटर की डाउट क्लियरेंस क्वालिटी टेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन से ज्यादा है? हाँ यस एग्री 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 एग्री। पर आपको एक बात माननी पड़ेगी कि डाउट काउंटर पे बच्चे का इतना समय चला जाता है, रिसोर्सेज इतने चले जाते हैं कि 100 में से अगर कोई बच्चा एवरेज है, जेई की नीट की बात कर लूं तो उसके 40% डाउट हो सकते हैं, 30% तो हो ही सकते हैं। 25,000 सवाल हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, मैं तो कह रहा हूं 20,000 एक्सपेक्ट करते हैं, 30% उसे डाउट आते हैं, 30% में से उसके डाउट 20% बच जाते हैं क्लास के बाद भी। तो आप ये मान के चलिए कि 4,000 सवाल वो डाउट काउंटर पे जाके पूछ नहीं सकता, मेरा व्यक्तिगत मत है। इस जगह पिक्चर में आते हैं टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन। मैं क्या सीक्वेंस सजेस्ट करता हूं मैं आपको बताता हूं और क्या वो करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को इतने डाउट हैं तो उसे डाउट आया 10 सवाल में डाउट आया तो उसको पहले उनका टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन देख लेना चाहिए। 10 अगर वो देखेगा, एवरेज बच्चा है हमारे जैसा, तो 10 में से टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन देखने पर उसके 7 या 8 डाउट काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। पर मैं मानता हूं कि 100% वो क्लियर नहीं होंगे। जब वो नहीं होंगे तो हफ्ते में 2 दिन उसे छाटने हैं कि किस दिन मुझे डाउट काउंटर पे जाना है और वो बचे हुए 3 सवाल उसको डाउट काउंटर पे जाकर अपने सबसे पसंदीदा टीचर से पूछने हैं। अगर एक बच्चा वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन और डाउट काउंटर का सही समावेश कर ले तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उसका एक भी डाउट अनक्लियर नहीं रखेगा और उसका सिलेक्शन 100% होगा। अगर ये सही समावेश टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन का कर ले तो वो बात बन जाएगी। मुझे लगता है ये वाला मंथन बहुत बढ़िया था, दोनों की अपनी अपनी सुविधाएं हैं, ये टाइम बचाता है, पैसे बचाता है, पर ये क्वालिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। पर इनकी भी कंस्ट्रेंट है कि ये 40,000 या 4,000 सवाल एक बच्चे के डाउट क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सीक्वेंस को बच्चा समझे कि सर ने होमवर्क दिया, पहले क्लास में जाके डिस्कशन करे, उसमें जो डाउट बच जाए उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन देखे, पहले टेक्स्ट देखे, नहीं समझ में आए वीडियो देखे, फिर अगर 50 सवाल हैं उसने 50 डाउट देखे। मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ आपके 10 डाउट रह जाएंगे, वो 10 डाउट को आप डाउट काउंटर पे जाके पूछिए। और आप 100% अगर ऑनलाइन के हैं तो डाउट काउंटर ऑनलाइन में भी उपलब्ध है, जहां पे जाहिर सी बात है कि टीचर उतना फिजिकल नहीं हो सकता, बट फिर भी रियलिटी है कि उसको एक कम से कम उसको एक सुविधा तो दे सकता है। क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या बच्चे को टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन और डाउट काउंटर का सही समावेश करना आना चाहिए? उसके पास 4 तरीके हैं, क्लास डिस्कशन, डाउट काउंटर, टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन। जितने अध्यापक यहां पे बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चे को ये बताइए कि भाई पहले क्लास में डिस्कशन हो जाए, उसके बाद टेक्स्ट सॉल्यूशन देख, वीडियो सॉल्यूशन देख, फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो डाउट काउंटर पे जाओ और अपने डाउट क्लियर कर ले। इसका सही सीक्वेंस अगर वो बनाएगा तो उसका कोई डाउट अनक्लियर
नहीं रहेगा। बहुत ही सुंदर डिस्कशन, बहुत भावना मैम अभी भी बहुत भावनाओं में बह रही हैं, पर मैं उन्हें रोकना चाहता हूं क्योंकि उनकी कल क्लास भी लगनी है। मैं जितने भी सीनियर्स यहां पे बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल फिर मैं आपको कह रहा हूं, ये डिस्कशन ऐसा है कि ये मतभेद हो सकते हैं पर ये मनभेद नहीं है। और यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो भी डाउट काउंटर को सपोर्ट करते हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो भी वीडियो सॉल्यूशन टेक्स्ट सॉल्यूशन सपोर्ट करते हैं, पर तर्क वितर्क में हमें एक तरफ तो जाना पड़ता है और उसके पॉइंट रखने पड़ते हैं। पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होता है तो हर नेता दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का ही पूरा सानी हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर जब उसको बोला जाए इस पे बोलिए तो उसकी ये क्षमता होनी चाहिए एक वकील की तरह कि वो अपना पॉइंट दमदारी से रखे ताकि दुनिया को ट्रांसपेरेंसी के साथ दोनों पक्षों का जो मत है वो सही से जाना चाहिए। यही यहाँ पे हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जोरदार डिस्कशन, बहुत शानदार डिस्कशन। चॉइस है कि बहुत बड़ा क्वालिटी है सर, छोड़ नहीं रहे आज। नहीं चलिए ठीक, चलिए मेरे साथ बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दोनों पॉइंट्स के लिए।